प्रिय विद्यार्थी, आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, एक कमेंट आया था एक वीडियो के ऊपर। एक जिज्ञासु विद्यार्थी थे, उन्होंने पूछा था कि सर, हम शिक्षक हैं, वो सोमवे योग के शिक्षक हैं, कि सर हमें डाउट है, कन्फ्यूजन में है कि योग में डिस्टेंस से एमए ठीक है या रेगुलर ठीक है, या आजकल एमए डिस्टेंस से होती है या बंद हो चुकी है। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, उनका जायज प्रश्न था, उनकी बात बिल्कुल ठीक थी। क्योंकि उन्होंने कहा कि बहुत से जानकार मेरे हैं, बहुत से मेरे भी स्टूडेंट्स हैं, मुझसे पूछते हैं, और इस बारे में अभी मेरे पास ठीक से कोई जानकारी नहीं है। तो देखिए मित्रों, मैं आपको बता दूं कि काफ़ी लंबे समय से डिस्टेंस एजुकेशन चली आ रही है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जो डिस्टेंस से आप पढ़ाई नहीं कर सकते थे, यानी ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, डिग्री आप डिस्टेंस से नहीं कर सकते थे, लेकिन योग से आप डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, मास्टर डिग्री, ग्रेजुएशन ये सब कर सकते थे। अलग अलग यूनिवर्सिटियों में ऐसा प्रावधान था, लेकिन वर्तमान में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, नई जो नेशनल शिक्षा नीति जो आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है, उसमें स्पष्ट कह दिया गया है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो डिस्टेंस के लायक ही नहीं हैं, उनकी पढ़ाई रेगुलर होनी ही चाहिए। उसमें योग सब्जेक्ट भी है और भी कई सब्जेक्ट हैं, कई स्ट्रीम्स हैं जिनमें पढ़ाई आप जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग रेगुलर ही कर सकते हैं। तो योग में भी ऐसा प्रावधान आ गया है कि आप आगे रेगुलर ही कोई डिग्री कर सकते हैं। सिर्फ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स को छोड़कर, चाहे आप ग्रेजुएशन में बीए बीएससी करें, बीए बीएससी ऑनर्स करें, या मास्टर करें, चाहे एक साल की मास्टर डिग्री हो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, या चाहे दो साल की मास्टर डिग्री हो, सभी रेगुलर मोड से ही होनी चाहिए। अब कुछ का प्रश्न था कि सर, हमने तो डिस्टेंस से कर रखा है। ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जिन्होंने, खासकर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री बहुत से विद्यार्थियों ने की है, उनका नेट क्वालिफाई भी है, तो चिंता की कोई बात नहीं। पहले जो कर चुके हैं डिस्टेंस से, अगर उन्होंने नेट कर लिया है तो फुल फ्लेस एलिजिबल हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, दूसरी पोस्टों के लिए भी वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लाडनू यूनिवर्सिटी से भी, जैन उषा भारती इंस्टीट्यूट लाडनू से भी किया है, वो भी एलिजिबल हैं। और भी स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो डिस्टेंस से कराती थी, वहाँ से अगर आपने योग में मास्टर डिग्री की है या ग्रेजुएशन की है तो आप एलिजिबल हैं, आपको कोई चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन देखिए, आगे आपको ध्यान रखना है, अभी भी छिटपुट एक दो यूनिवर्सिटी करवा रही हैं डिस्टेंस लर्निंग, डिस्टेंस मोड से मास्टर डिग्री योग में, लेकिन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 वो स्पष्ट कहती है कि योग में डिस्टेंस डिग्री वैलिड नहीं रहेगी। तो पीछे से या तो वो चल रहे हैं या एक दो साल और करवा सकते हैं, बाद में फुल फ्लैश डिस्टेंस से डिग्रियां, चाहे वो ग्रेजुएशन की हो, यूजी हो, चाहे पीजी हो, वो बंद हो जाएंगी। तो मेरा तो यही मानना है कि जिस बच्चे को योग में पढ़ाई करनी है, योग में अपना कैरियर संवारना है, योग में आगे बढ़ना चाहता है, योग को जीना चाहता है, सीखना चाहता है, चाहे वो योग का टीचर बने, प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने, कुछ भी बने योग में, उसके लिए रेगुलर पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। डिस्टेंस से पढ़ाई ठीक नहीं है क्योंकि आपको पूरा ज्ञान नहीं होता है। रेगुलर पढ़ाई में अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो टीचर होते हैं, एनाटॉमी अलग टीचर्स होते हैं, आपके फिलोसफी अलग टीचर्स होते हैं, आपके हठ योग अलग टीचर्स होते हैं, उपनिषद वेदों के अलग टीचर्स हो सकते हैं, आपके स्टेटिक्स के अलग टीचर्स हो सकते हैं, आपके नेचुरोपैथी अलग टीचर्स हो सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे अल्टरनेट थेरेपी हो, चाहे नेचुरोपैथी हो, चाहे योग थेरेपी हो, मतलब कोई भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है मास्टर डिग्री का या यूजी का, उससे आप पढ़ेंगे तो आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी और एक आप अच्छे टीचर बन के निकलेंगे। लेकिन जो डिस्टेंस से करता है उनको अधूरी नॉलेज होती है, पूरा ज्ञान नहीं होता है। लेकिन ऐसा भी है, कुछ लोग जानकार होते हैं, अच्छे अनुभवी होते हैं, जो ऑनलाइन भी पढ़ाई कर लेते हैं, तो डिस्टेंस से कर लेते थे, रिकवरी कर लेते थे, या किसी सेंटर पर काम कर लेते थे,
किसी योग इंस्टीट्यूट में काम कर लेते थे तो उन्हें नॉलेज हो जाती थी, साइड से डिस्टेंस से डिग्री कर लेते हैं। लेकिन देखिए, न्यू एजुकेशन या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि आपकी योग में डिग्री जो भी होगी, चाहे आप बीए बीएससी हो चाहे एमए एमएससी हो, वो रेगुलर ही मान्य होगी। मैक्सिमम आजकल जो पोस्ट निकलती है उनमें लिखने भी लग गए हैं, जैसे मान लीजिए कुछ जगह पर वैकेंसियाँ हैं कि 10+2+1 ईयर रेगुलर डिप्लोमा, ग्रेजुएशन प्लस 1 ईयर पीजी रेगुलर डिप्लोमा, ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम प्लस 2 ईयर रेगुलर मास्टर डिग्री। ठीक है, तो रेगुलर शब्द मोस्टली वैकेंसीज में लिखने लग गए हैं, और आगे मुझे लगता है कि एक दो साल बाद जो एक दो यूनिवर्सिटियाँ करवाती हैं वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। डिस्टेंस लर्निंग में और सब्जेक्ट्स वो करा सकती हैं, हो सकता है हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव से, या दूसरे जो भी स्ट्रीम हैं उनमें करा सकते हैं, लेकिन योग से डिस्टेंस से वो डिग्रियाँ नहीं करा सकती हैं। अगर बच्चा कर लेता है तो वो वैलिड फिर आगे नहीं होंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी बच्चा आपसे पूछता है तो आप उन्हें गाइड करें, उन्हें सजेस्ट करें कि भाई जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, उसमें स्पष्ट कहा है कि योग में कोई भी जो डिग्री आप करते हैं वो रेगुलर ही आप कर सकते हैं, डिस्टेंस से वो वैलिड नहीं रहेगी। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटियाँ अभी भी करा रही हैं, वो एक दो साल करवा सकती है, उनका पीछे का प्रोसीजर है, जहाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं है जिस यूनिवर्सिटी में तो वो करवा रही हैं एक दो यूनिवर्सिटी, लेकिन मुझे लगता है एक दो साल में 2025 तक वो भी बंद कर देंगी तो फुल फ्लैश रेगुलर हो जाएगी। जैसे बीएमएस होती है, जैसे एमबीबीएस होती है, जैसे बीएनवाईस होती है, बीएचएमएस होती है, बीटेक होती है ना, ये सब रेगुलर डिग्रियां होती हैं, तो इसी प्रकार योग की भी रेगुलर डिग्री होगी, फुल फ्लैश रेगुलर डिग्री मान्य होगी, चाहे कोई जॉब हो या चाहे कोई इंस्टीट्यूट हो, सभी जगह आपकी रेगुलर डिग्री ही मान्य होगी। एक वीडियो में मैं स्पष्ट बता चुका हूँ कि जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें एक साल पढ़ाई करता है, जैसे ग्रेजुएशन में एडमिशन लेता है आफ्टर ट्वेल्थ के बाद, तो एक साल में सर्टिफिकेट मिलती है, दो साल में डिप्लोमा मिलता है, तीन साल में ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है, चार साल में उसे ऑनर्स की डिग्री मिलती है, और इसी में एक सब्जेक्ट और पढ़ लेता है, रिसर्च का डिसर्टेशन वगैरह बना लेता है या कोई रिसर्च वर्क कर लेता है, तो उसको यूजी ऑनर्स योग में है या किसी भी सब स्ट्रीम में आपकी है तो यूजी ऑनर्स विद रिसर्च भी आप कर सकते हैं। फिर वो डायरेक्ट सीधा पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, उन्हें एक साल की बीच में मास्टर डिग्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, योग में एक साल की मास्टर डिग्री करने की फिर ज़रूरत नहीं है, अगर आप सीधा पीएचडी में जा सकते हैं, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल नहीं है। लेकिन इसमें कंडीशन है, आपकी 7.5 CGPA जो होती है ना, लगभग परसेंटेज ही समझ लीजिए, वो आपकी होनी चाहिए यूजी योगा ऑनर्स विद रिसर्च, 7.5 CGPA जो होती है ना वो आपकी होनी चाहिए, तभी आप सीधे पीएचडी में एनरोल कर सकते हैं और नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। हाँ, अगर आपने तीन साल पढ़ाई की है तो आप फिर दो साल की मास्टर डिग्री आपको करनी पड़ेगी, चार साल आपने पढ़ाई की है ओनली ऑनर्स से की है, रिसर्च से नहीं की है, तो आप एलिजिबल नहीं हैं, न ही पीजी के लिए है ना और न ही पीएचडी के लिए। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एक साल की मास्टर डिग्री कर लेते हैं, मतलब चार साल की पढ़ाई करके एक साल की मास्टर डिग्री कर लेते हैं, एक साल की रहेगी मास्टर डिग्री पीजी, तो उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, यानी नेट का एग्जाम दे सकते हैं, नेट क्वालिफाई करके अगर आपका नेट हो जाता है तो यू आर एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर पीएचडी। ठीक है, तो दोनों फायदे आपको मिल सकते हैं। तो ये बीच का जो सिस्टम था पीजी का, ये लगभग समाप्त करने की कोशिश की है ताकि बच्चा डायरेक्ट रिसर्च में जा सके, अच्छे से उसमें तल्लीनता से रिसर्च कर सके, इसलिए ये कार्य शुरू किया, अन्यथा बच्चा भटकता रहता है। पहले ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए टेस्ट देना पड़ता है, फिर उसे पीजी में दो साल के लिए समय खराब करना पड़ता है, टेस्ट देना पड़ता है, फिर उसे पीएचडी के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, फिर उसे नेट के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, फिर पीएचडी में भी कई जगह अलग अलग तरह के एंट्रेंस होते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग कराती है, तो बेचारा बच्चा भटकता रहता है। तो ये सब सिस्टम हट गया, एक बार बच्चे ने एनरोल कर लिया तो वो लगातार लंबे समय तक एक यूनिवर्सिटी में अपनी पूरी पढ़ाई कर सकता है, उसका समय भी बचेगा, उसका पैसा भी बचेगा, उसकी एनर्जी भी बचेगी और एक ज्ञान का लाभ भी उसे अवश्य मिलेगा। तो जब भी आपको सजेस्ट करना हो किसी भी विद्यार्थी को तो रेगुलर डिग्री और डिप्लोमा के लिए ही करना है। देखिए, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट अभी भी जारी हैं, आगे भी जारी रहेंगे डिस्टेंस से, लेकिन जॉब में अगर मांग लिया जाता है पीजी डिप्लोमा या यूजी डिप्लोमा या डिप्लोमा इन योगा रेगुलर मोड, तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ मिलेगा कि आपका डिप्लोमा रेगुलर होना चाहिए। तो रेगुलर को ही प्रायोरिटी भी मिलती है,
रेगुलर को ही अहमियत दी जाती है, रेगुलर को ही पहले प्रेफरेंस दी जाती है। तो जब भी करें, जहाँ से भी करें, रेगुलर ही करें। अब बहुत से विद्यार्थी ये भी पूछते हैं मेरे से कि सर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करें या गवर्नमेंट से करें, कॉलेज से करें, यूनिवर्सिटी से करें। तो देखिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूजीसी वैलिड होनी चाहिए, आपके पास में कोई कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, अच्छी पढ़ाई होती है, तो वहाँ से भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कर सकते हैं, मास्टर डिग्री कर सकते हैं। आपके नियर बाई अच्छी यूनिवर्सिटी है तो वहाँ से आप कर सकते हैं। कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी हो सकती है आपकी, है ना, स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हो सकती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे सर हरिद्वार साइड में करना है तो देव संस्कृति, पतंजलि विश्वविद्यालय, उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, एस व्यासा बेंगलोर और लोनावाला महाराष्ट्र, ऐसे बहुत इंस्टीट्यूट हैं जो काफ़ी फेमस है, जहाँ पर योग में डिग्री डिप्लोमा होते हैं। बिहार स्कूल ऑफ योग, है ना, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग दिल्ली में, यहाँ से आप कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि मैं बड़े फेमस से करूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हमने उनसे कर लिया तो वी आर फुल फ्लैश एलिजिबल। देखिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी, पढ़ाई वहाँ भी अच्छी होती है, कुछ ऐसे स्टेट यूनिवर्सिटियाँ भी हैं, कुछ ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ भी हैं जहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, जहाँ बहुत अच्छे टीचर हैं और आप अपनी अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सर हम वहीं पढ़ाई करें तभी हमें जॉब मिलेगी या तभी हमें प्रेफरेंस मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अच्छी इंस्टीट्यूट से करते हैं तो डेफिनेटली आपका भी बल बढ़ता है, आपका भी नॉलेज बढ़ता है, अच्छे टीचर्स आपको मिलते हैं और एक माहौल एनवायरनमेंट आपको मिलता है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम वीक है, या कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं, मैरिड लड़कियाँ हैं जिनके बच्चे हैं, तो वो नियर बाई कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी है जिसमें वो अप डाउन कर सकते हो, तो आराम से वहाँ से भी कर सकते हैं, है ना। कई प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज हैं, या कोई और आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आप ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं, फैमिली से दूर नहीं रह सकते हैं, तो आजकल तो मुझे लगता है कि हर स्टेट में नियर बाय 2-3 डिस्ट्रिक्ट में आपको कोई ना कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी योग का डिप्लोमा डिग्री करवाते हुए मिल जाएगी। लेकिन आप ये कोशिश करें वो यूनिवर्सिटी ठीक हो, यूजीसी से अप्रूव्ड हो, अच्छे से पढ़ाई करवाती हो, वहीं से आपको डिग्री डिप्लोमा योग में करना है, ठीक है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कोई भी सुझाव हो, कोई भी आप बात कहना चाहते हो, तो आप निसंदेह निसंकोच आप मुझे इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, कह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।